हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अलार्म इन रेडमी नोट 25G। रेडमी नोट 25G में अलार्म कैसे लगाना है, मल्टीपल अलार्म कैसे लगाना है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन टूल्स वाले टूल्स का जो कॉलम मिलता है, इसमें आपको एक एप्लीकेशन मिल जाता है क्लॉक। क्लॉक पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फर्स्ट टाइम में एग्री कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर अलार्म वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो अलार्म पर आप यहाँ पर पहले से ही 3 अलार्म मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अलार्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी टाइम का अलार्म लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, सुबह 5 बजे का, और यहाँ से डन कर देना है। तो ये डन अलार्म हो चुका है मेरा। दूसरा अलार्म लगाना चाहते हैं यहाँ पर सुबह 7 बजे का, ओके डन कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। यहाँ से आपको 8 बजे का लगाना चाहते हैं तो 8 बजे का, या फिर 11 बजे का। तो मैं यहाँ एक 11 बजे का लगा लेता हूँ, 11 AM। अगर आप सुबह से जैसे 11-12 बजे तक सुबह के टाइम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर AM रहना है, और शाम के टाइम मतलब कि 12 बजे के बाद लगाना चाहते हैं तो यहाँ ये टाइम जो है वो PM में हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप रिंगटोन को चेंज कर पाएंगे। यहाँ से अगर रिंगटोन अगर अच्छी नहीं लग रही आपको तो वो रिंगटोन आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ से आपका रिपीटेड मिल जाता है। अगर आप इसे सिर्फ एक बार बजाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर मंडे टू फ्राइडे तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन कौन से दिन आप इसे बजाना चाहते हैं वो यहाँ से ओके कर देना है। तो रिपीटेड डेली हो रखा है, तो यहाँ से अगर केवल फ्राइडे मंडे टू वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।